आपके जो 2018 में एमएलए कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट कांग्रेस के मशहूर लीडर एसीसी के नेशनल स्पोक्स पर्सन मेरे दोस्त डॉक्टर दासोजी सेवन साहब और मेरे प्रिय मित्र और आपके होने वाले कॉर्पोरेटर शरीफ साहब की बीवी जवेरिया जी और दूसरा मित्र मेरा दलित दोस्त नरेश जी और नरेश की बीवी श्वेता जवेरिया जी खैरताबाद डिवीजन से कांग्रेस कैंडिडेट है और श्वेता जी सोमा जी गुड़ा डिवीजन से कांग्रेस कैंडिडेट है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ, आप सबको पूछने आया हूँ कि खैरताबाद डिवीजन और सोमाजी गुड़ा डिवीजन कैंडिडेट में 1 तारीख में जो जीएचएमसी इलेक्शंस होने वाले हैं हाथ पे वोट डाल के आप ये दोनों कैंडिडेट को वोट करिए, ये मैंने रिक्वेस्ट करने के लिए आपके पास आया हूँ। मैं एक बात आपको वादा करता हूँ, आप लोगों को बहुत से लोगों को मालूम है मैं नलगोंडा जिले से 5 बार एमएलए रह चुका हूँ, आप लोकसभा पार्लियामेंट के मेंबर हूँ और तेलंगाना राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हूँ। ये दोनों मैं पूरी 150 डिवीजन घूम रहा हूँ, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये दोनों कैंडिडेट बहुत ही स्पेशल कैंडिडेट है। शरीफ साहब ने अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों की सर्विस में गुजार करी, शरीफ साहब ने अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों की सर्विस में गुजार दी। उनकी बीवी जवेरिया जी आज कैंडिडेट है और यहाँ नरेश साहब एक दलित लीडर है, उनकी बीवी श्वेता गवर्नमेंट लेक्चरर थी, वो रिजाइन करके सोमाजी गुड़ा डिवीजन को कॉन्टेस्ट करने आई है। मैं मेरी तरफ से आपको वादा करता हूँ, मैं आपकी जबान देता हूँ, आप ये दोनों कैंडिडेट को जितवाइए, खैरताबाद डिवीजन और सोमाजी गुड़ा डिवीजन और एमएस मक्ता के मेरे भाई बहन, आपको जो डेवलपमेंट चाहिए सड़क पानी बिजली मैं अपनी एमपी फंड से करोड़ों रुपए जो चाहिए मैं कराऊंगा। आप लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से पार्लियामेंट में राष्ट्र सरकार में यहां मैं लड़ूंगा आपकी तरफ से, आपको सड़क पानी बिजली आपके बच्चों को नौकरी, आपको कोई भी तकलीफ हो, आपको पुलिस स्टेशन में प्रॉब्लम हो कोई हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो आपके उत्तम भाई आपके साथ रहेंगे। मैं हाथ जोड़ के मेरे एमएस मक्ता के भाई बहन को आपको मैं मांगता हूँ, मैं भीख मांगता हूँ कि गलत निर्णय मत लीजिए। कल कुंड चंद्रशेखर राव आपको धोखा किया है, 2014 में उन्होंने वादा किया था कि अगर टीआरएस की गवर्नमेंट आएगी 2014 में माइनॉरिटी बच्चों के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपके बच्चे डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, एमबीए बनने के लिए, एम फार्मेसी बनने के लिए 12% रिजर्वेशन लेके आएंगे। 4 महीने गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 7 साल गुजर गए आज तक, अब ये धोखेबाज चंद्रशेखर राव मुंह नहीं खोल रहा। जो पहले से कांग्रेस पार्टी ने लागू किया 4% रिजर्वेशन ही लागू है। अगर आप लोगों को कलवकुंतला चंद्रशेखर राव और उनके लड़के तारक रामाराव को याद दिलाना है, आपकी बच्चे के लिए 12% रिजर्वेशन चाहिए तो जरूर आप उनको याद दिलाने के लिए टीआरएस पार्टी को सबक सिखाइए, फिर आपके 12% रिजर्वेशन को याद आएगा। मैं बोल रहा हूं, मैं पहले एमएलए था, हर इफ्तार के रमजान पे इफ्तार के बारे में शेरवानी पहन लेता, कुछ लोगों को बिरयानी खिला लेता और माइनॉरिटी की और कुछ करना ही नहीं, और एमआईएम वालों के साथ मिलकर हैदराबाद के माइनॉरिटी सभी को धोखा दे रहा है। मेरे माइनॉरिटी भाई बहन, मैं इतना बोल सकता हूं, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी से लेकर हम तक आपके वेलफेयर के लिए, आपके सिक्योरिटी के लिए हम कमिटेड है। आज अगर जो सेंटर में बीजेपी की मोदी गवर्नमेंट पूरी देश में माइनॉरिटीज को तंग कर रही है,
मुसलमानों को तंग कर रही है, कभी लव जिहाद बोलते हैं, कभी पीस बोलते हैं, कभी उपचार बोलते हैं। अगर मोदी को हटाना है हमें मजबूत करिए, हाथ को मजबूत करिए, राहुल गांधी को मजबूत करिए, हम आपके साथ रहेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम आपके साथ लड़ेंगे, आपके लिए लड़ेंगे हम। मेरे भाई बहन मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। टीआरएस पार्टी को आपके वोट मांगने का हक नहीं है, क्योंकि तेलंगाना माइनॉरिटीज को कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर राव ने धोखा दिया है। पार्लियामेंट की मेंबर हूं, एक दो साल पहले भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति इलेक्शन हुए, बीजेपी आरएसएस की तरफ से रामनाथ कोविंद साहब खड़े हुए, हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जगजीवन राम सिंह जी की लड़की मीरा कुमार जी खड़े हुए थी। मैंने फोन किया था चंद्रशेखर राव साहब के घर पे, अरे साहब दलित लड़की है, जगजीवन राम की बेटी है, उनको वोट डालो। लेकिन नहीं, चंद्रशेखर राव साहब और उनके एमपी बीजेपी आरएसएस कैंडिडेट रामनाथ कोविंद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन में वोट डाले। फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन आए, उपराष्ट्रपति का निकल आए, बीजेपी आरएसएस की तरफ से वेंकैया नायडू साहब खड़े हो गए, हमारी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से महात्मा गांधी के पोते महात्मा गांधी के ग्रैंडसन गोपाल कृष्ण गांधी खड़े हुए। फिर हम चंद्रशेखर राव से पूछे, कांग्रेस पार्टी का गोपाल कृष्ण गांधी महात्मा गांधी का ग्रैंडसन है, उनको वोट करिए। नहीं, चंद्रशेखर राव और टीआरएस एमपीओ ने बीजेपी आरएसएस कैंडिडेट वेंकैया नायडू को वोट डाला। मैं पार्लियामेंट मेंबर होते देखा उनके अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ में जब बीजेपी वाले दखलंदाजी कर रहे, आपके इंसल्ट कर रहे, ट्रिपल तलाक में हर मुस्लिम पर्सनल लॉ इश्यू में टीआरएस एमपीओ ने बीजेपी को वोट दिया पार्लियामेंट में। जब कश्मीर में आर्टिकल 370 निकाला गया, वहां मुसलमानों का अपमान करा जा रहा है, टीआरएस एमपीओ ने हैदराबाद से स्पेशल जहाज में आके पार्लियामेंट में बीजेपी के साथ दिया है। जब नरेंद्र मोदी हैदराबाद आते हैं कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर राव बोलते हैं, मोदी साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए। ये मुसलमानों के साथ धोखा करना कि नहीं। और मोदी साहब पार्लियामेंट में बात करते तो पूरे देश में एक ही चीफ मिनिस्टर की तारीफ करते हैं, वो है कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर राव। मेरे भाई बहन, मैं आपको अपील करना चाहता हूँ, चंद्रशेखर राव का निज स्वरूपम छोड़ेंडी, असलियत देखिए। वो माइनॉरिटीज के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ पार्लियामेंट में वोट डाल रहे हैं। वो क्या करते हैं हैदराबाद में, गली में कुश्ती, दिल्ली में दोस्ती। टीआरएस बीजेपी एक ही है। मेरे भाई बहन याद रखना, अगर आप टीआरएस में वोट डालेंगे बीजेपी को मजबूत करेंगे, जो बीजेपी जो नरेंद्र मोदी आप लोगों को तंग कर रहा है। मैं उत्तम कुमार रेड्डी स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट, मैं आपको वादा देता हूँ, आपको मैं जबान देता हूँ, एमएस वक्ता में किसी को कोई तकलीफ हुई मैं आपके साथ हूँ। अब दूसरी ड्रामा जो चल रही हैदराबाद में देखिए साहब, बीजेपी और एमआईएम, आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, 3-4 दिन पहले वेस्ट बंगाल के एमआईएम के स्टेट प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया, असाउद्दीन ओवैसी की लीडरशिप में एमआईएम पार्टी इस देश में बीजेपी को मजबूत करने में लगी है, इसलिए मैं एमआईएम से रिजाइन करके चले जाता हूं करके वेस्ट बंगाल के एमआईएम प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया था। बिहार में क्या हुआ सब, आज बिहार में बीजेपी गवर्नमेंट में आई तो वो केवल एमआईएम पार्टी असाउद्दीन ओवैसी की फोटो लगवानी चाहिए। वो एमआईएम पार्टी बिहार में इलेक्शन लड़ते हैं, यूपी में लड़ते हैं, महाराष्ट्र में लड़ते हैं, कर्नाटक में जाते हैं, लेकिन हैदराबाद में सब
सिर्फ 40 सीट लड़ते हैं। मेरे भाई याद रखना, एमआईएम पार्टी है, ये जो मैं बोल रहा हूँ सच है कि नहीं, बिहार में 70 सीट लड़ते हैं, यूपी में लड़ते हैं, महाराष्ट्र में लड़ते हैं, कर्नाटक में लड़ते हैं। क्यों? बीजेपी को मजबूत करने के लिए, वोटों को हिंदू मुसलमान में बटवा के बीजेपी को बेनिफिट करने के लिए, बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए एमआईएम ये काम कर रही है। मेरे मुसलमान भाई बहन, मैं हाथ जोड़ के आपसे मांगता हूँ, ये टीआरएस का, ये एमआईएम का जो असलियत पहचानी, हम आपके साथ हैं।